ममता बनर्जी सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन की भर्तियों में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से ज्यादा सुर्खियां हाल तक का नाम रही अर्पिता मुखर्जी ने बटोरी, जिन्हें मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी बताया जा रहा है। पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। ये रकम बोरियों में भरकर अलमारी में रखी थी। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस रकम का संबंध भर्ती घोटाले से हो सकता है। अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं अर्पिता आखिर है कौन। अर्पिता ने दावा किया है कि वह एक अभिनेत्री हैं और अभिनय ही उनकी आय का स्रोत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी खुद को अभिनेत्री बताया है। अर्पिता ने वर्ष 2005 में मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ बांग्ला और उड़िया फिल्मों में भी काम किया है। अर्पिता कुछ विज्ञापन फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने नेल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली है। अर्पिता दक्षिण कोलकाता के नागतला उदयन संघ की दुर्गा पूजा के विज्ञापनों में भी नजर आती रही हैं। कोलकाता की शीर्ष पूजा में गिनी जाने वाली इस समिति के प्रमुख थे मंत्री पार्थ चटर्जी। ये पूजा मंत्री के मोहल्ले में ही होती है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि संभवतः उसी से दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। अर्पिता मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ चुनाव प्रचार भी करती रही हैं। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि पार्थ ने बड़ी रकम को सुरक्षित रखने के लिए अर्पिता के फ्लैट को चुना था। ईडी के मुताबिक अर्पिता पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उनको पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में बेलघरिया इलाके के एक बहुमंजिली आवासीय परिसर में उनके दो और फ्लैट का भी पता चला है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले तक अर्पिता नियमित रूप से वहां आती जाती थी।